जैसे दुबई के ऊंट, लड़के भी बोले वाली अलग ही क्यूट, मची है लूट करो थोड़ा हूट, जाने इतनी जारी 50% की है झूठ, जहाँ भी ये गाना सुनो आ जाना भक्के, शारजा की पारी ये सचिन के छक्के, फिर से बोलो आए बैठना नहीं उठो, नाचो ना सालो बलवंत राय के भुट्टो, चल बेटा मटक चेहरे पे है चमक, राज मेरा क्या भविष्य बताऊं, देखो हिप हॉप का जोशी, मैं गुरुजी मैं गणेश, गाना मेरा गोची है, छोटा मोटा पूरा देता फन फन, मेरी गोली चले थाता थाता थन थन, रॉ पाने वाली हाँ जी ओके डन डन, दो मिनट होल्ड, 3 2 1 1 1 1 कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब चंगे होंगे, मस्त होंगे, बहुत जबरदस्त होंगे। तो स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल क्षत्रिय गेमर पे। तो आज का वीडियो मेरे भाई बहुत ज़्यादा जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज हम जो ग्लिच बताने वाले हैं ना, वो इतना सिंपल है, इतना ईजी है, आप हर बार में यार आप कर ही लोगे, कितना भी नूबड़ा बंदा हो वो भी इस ग्लिच को कर लेगा। बट ध्यान देना मेरे भाई, जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करना है, और अगर आज का ये ग्लिच नहीं होता है ना आपसे भाई, अपना वीडियो देखना छोड़ देना। वैसे वीडियो आपका ही, क्योंकि आपका चैनल है ये, तो आप अपना ही वीडियो भैया ये देखना छोड़ देना इस चैनल का, अगर ये ग्लिच नहीं होता है आपसे। बट उससे पहले कि जो तीन चीज़ें मैं आपको बताऊँ ना, बिल्कुल ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, और उसको अप्लाई करोगे ना 101% आपका ये ग्लिच होगा। आप देख ही सकते हो हर बार एक ही बार में हर बंदा जा रहा है, क्योंकि जो बताया मेथड वो यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ज़रूरी बात है कि आपकी सही पोजीशन, ठीक है ना। यहाँ पर आपको जो गड्ढा दिखाई दे रहा है हल्का सा, जब आप मैच में आओगे तब आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख भी सकते हो। अगर नहीं समझ में आता तो मैं लास्ट में अभी तीसरे नंबर पर करूँगा, तब आप वहाँ पर देख लें कहाँ से कर रहा हूँ। सेकेंड ज़रूरी बात है कि आपको जो फेक हो ना फ्रोजन एग, वो ऊपर के लिए मुँह नहीं होना चाहिए, बीच में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नीचे होना चाहिए जिस तरीके से अभी था। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, जब आप फ्रोजन एग को फेंक दो तो आपको जॉयस्टिक को राइट साइड में लेके जाना है। समझ में नहीं आया ना, मैं स्लो मोशन में आपको करके दिखाऊंगा, और बिल्कुल सीन आपको ऐसा ही करना है, आपका 101% आपका ये ग्लिच होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फ्रोजन एग फेंक दिया है, और जैसे ही हुआ मैंने राइट साइड में जॉयस्टिक किया, दिखाई नहीं दिया ना, मेरे को भी नहीं दिखाई दिया। चलो आपको स्लो मोशन में दिखाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कब मैंने जॉयस्टिक को किस साइड किया। तो यहाँ पे फ्रोजन एग को मैंने यहाँ फेंक दिया, अब जॉयस्टिक पे नज़र रखना आप, जैसे ही फ्रोजन एग पीछे जाता है ना मेरे, मैं जॉयस्टिक को राइट साइड की तरफ करता हूँ, और हल्का सा इधर आके जैसे फ्रोजन एग होता है, बूम गाइस हम अंदर आ चुके हैं। तो ये है तरीका, और बिल्कुल इस तरीके से करोगे 101% आपका हो जाएगा ग्लिच बिना किसी दिक्कत के। जॉयस्टिक को करना है राइट साइड में और आप अंदर। और यहाँ पे भाई वीडियो छोड़ के मत जाना, क्योंकि अभी तो भाई मेन सीन बचा हुआ है कि आप यहाँ पे भी रह के बंदों को मार सकते हो, आप अंदर भी आ सकते हो थोड़ा, और अंदर कैसे जाना है ना वो सबसे जरूरी चीज़ है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है जाना कैसे। तो यहाँ पे छोटा गड्ढा दिखाई दे रहा है ना, प्रोन करना है, आराम से इसके अंदर घुस जाना है, और वीडियो फिर भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आगे हम बताएंगे कि ऊपर यार बंदों को डैमेज तो जाता नहीं है, आप उन्हें किस तरीके से उन्हें किल कर सकते हो और उन्हें मार सकते हो, क्योंकि ऊपर ना एमओ जाती है, ना नेट जाता है, ना स्मोक जाता है, ठीक है। तो अब हम आपको बताएंगे आगे कि आप उनको कैसे मार सकते हो। बाकी यार यहाँ पे भी आप होल्ड कर सकते हो पोजीशन, यहाँ से ही बंदूक किल कर सकते हो। और हम बताना भूल गए कि इस ग्लिच को, यानी इस ट्रिक को फाइंड किया है हमारे सबसे होनहार, सबसे युवा टीममेट सोना भाई साहब ने, जिन्होंने इस ट्रिक को फाइंड किया है, और बिग शॉट आउट सोना को। तो अब हम आपको बताते हैं भाई कि हम इसके ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ से कैसे बंदूक को मार सकते हैं, और जो आपके इधर उधर दिखाई दे रहे हैं कैसे आप इसके ऊपर चढ़ सकते हो। और यहाँ से अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ से गन वगैरह चला के मार दो बंदों को, तो नहीं होने वाला है भाई, क्योंकि यहाँ से एमओ है जो बाहर जाती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से, तो अगर आप यहाँ छुप सकते हो, हाँ आराम से छुप सकते हो, और जो पहला जो आपने देखा उस जगह रह सकते हो, वहाँ से बंदों को किल कर सकते हो। पर यहाँ पर आने के बाद या जो अंदर का नज़ारा होता है बहुत खूबसूरत होता है, तो आप इसको तो यह जरूर से ट्राई करना, एक बार अंदर ज़रूर आना। और अब मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई, जो यहाँ पे है यहाँ पे जाना कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर आप कैसे जाओगे, आप मतलब जितना भी शेल्टर में फैला हुआ है ना, हर तरफ घूम सकते हो बहुत आराम से बिना किसी दिक्कत के। तो उससे ऊपर जाने के लिए आपको सिंपली से यहाँ आ जाना है, और जो जंप कर देना है अंदर, और जॉयस्टिक को अंदर की तरफ कर देना है, जहाँ पर भी आपको जंप करना हो आप आराम से ऊपर आ जाओगे गाइस। और ऊपर आने के बाद का जो खूबसूरत नज़ारा होता है ना, वो तो भाई अद्भुत है। एक बार तो इस ग्लिच को करना ट्राई,
और जैसे जैसा मैंने आपको तीन पॉइंट जो बताए हैं बिल्कुल ध्यान से उनको अप्लाई करना, आपका ग्लिच 101% होने वाला है। और अब हम आपको बताते हैं कि यदि बंदा होता है ऊपर तो आप उसको कैसे डैमेज कर सकते हो, कैसे किल कर सकते हो, क्योंकि ना यहाँ से एमओ जाती है और ना नेट जाता है ना स्मोक जाता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि भाई ऊपर कैसे आप नेट वगैरह फेंक सकते हो, कैसे स्मोक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। जब आप स्मोक वगैरह या नेट वगैरह करो तो सबसे पहली चीज़ है कि जब भी आप स्मोक कर रहे हो ना तो अपना जो स्मोक है उसको भाई सीधे सीधे नहीं करना। जैसे यहाँ पे मैं नेट कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल सीधे सीधे कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे टकराएगा और नीचे आ जाएगा और आप ही मर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लंबा लंबा करना है, नहीं समझ में आया लंबा लंबा, ठीक है। देखो अब यहाँ मैं स्मोक कर रहा हूँ ना, ये बिल्कुल देखिए लंबा लंबा है तो यहाँ पे ऊपर रह जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर ही रह जाएगा और आराम से स्मोक वगैरह सब ऊपर हो जाएगा। अब दोबारा से मैं स्मोक कर रहा हूँ, वो सीधा सीधा कर रहा हूँ तो भैया नीचे गिर गया। तो इतना ध्यान में रखना है, लंबा लंबा करना हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप यार आपको वीडियो पसंद आया हो। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय।